Hello students, so welcome to class 9th. Myself Karan Kindra and I will teach you physics. And in the first chapter we have to study the motion. So first chapter hai wo kya hai, motion. Theek, motion aap sabne kabhi na kabhi suna hua hai, padha hua hai. Jo hamare aas paas sari cheeze hai hamesha wo motion mein rehti hai. Hum move karte hain, motion mein rehte hain. Car chal rahi hai, bicycle chal rahi hai, ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, कोई भी व्हीकल है वो चल रहा है तो मोशन में है. बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं मोशन में है, ट्रेन रन कर रही है मोशन में. तो एवरी हर चीज़ जो है वो क्या है, हमारी मोशन में रहती है. ठीक है ना, जो चीज़ एक ही जगह रुकी हुई है बेसिकली क्या है, जो लिविंग थिंग्स हैं हमारी ज़्यादातर वो मूव करती हैं. लिविंग थिंग्स क्या है, मूव करती है, मोशन में रहती है ना. और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है, जनरली रेस्ट पे होती हैं. जैसे चेयर है, टेबल है, जो जहाँ रखा हुआ है वहीं रखा हुआ है. बट जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, टाइम के साथ मूव करती हैं. ठीक है ना, टाइम के साथ मूव करती हैं. तो सबसे पहले हम मोशन पढ़ेंगे. तो व्हाट इज मोशन, अगर मोशन की बात करेंगे, मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट, मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम. जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम वो क्या बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम देन द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. ठीक है ना, वो क्या है, ऑब्जेक्ट मोशन में है जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है. मतलब एक टाइम पे यहां पर है, अगले 5 मिनट बाद यहाँ है, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है. ठीक है ना, तो जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ हम बोलते हैं कि वो कैसे है, मोशन में है. तो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट जो मोशन से ऑपोजिट है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम. जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो हम क्या बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट पे है. तो ये बात करी हमने मोशन और रेस्ट की. अब बेटा मोशन पढ़ने के लिए हमको कुछ क्वांटिटीज पढ़नी पड़ेंगी. ठीक है ना, इस मोशन को पढ़ने के लिए कुछ क्वांटिटीज पढ़नी पड़ेंगी. सबसे पहले जो एक चीज है जो हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बेटा, रेफरेंस पॉइंट होता है कि ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में मैं सारे डिस्टेंस को, सारी पोजीशन को मेजर करता हूं. ठीक है, अ पॉइंट फ्रॉम विच वी मेजर ऑल द पोजीशंस इन स्पेस. इन स्पेस मतलब 3 डायमेंशन में या 2 डायमेंशनल प्लेन में. अगर हम यहाँ स्पेस की बात नहीं करें, प्लेन की बात करें, आपकी कॉपी का जो प्लेन है, ये जो प्लेन है 2 डायमेंशन, यहाँ कोई भी पोजीशन में मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं. जैसे कि सपोज ये एक ग्राफ है, आपने पढ़ा है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है. तो ये जो हमारा ओरिजिन होता है ना, यहाँ सबको पता है ये हमारा ओरिजिन होता है. ये जो मेरा ओरिजिन है, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट. यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, रेफरेंस पॉइंट. तो मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट है, यहां रखा है, तो यहां से यहां हम मेजर कर लेंगे, ये इस पॉइंट से इतनी दूर रखा है. ठीक है ना, तो ये क्या मेरा रेफरेंस पॉइंट. कोई भी चीज हमें मेजर करनी है, कोई भी चीज हम यहां से डायरेक्ट मेजर कर लेंगे. ठीक है ना, यहां पर को सपोज बी ऑब्जेक्ट है, सी ऑब्जेक्ट है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सारी चीज को देखते हैं. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट. अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है क्वांटिटी, वो पढ़ना है डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या बेटा, आप अपने घर से स्कूल आए. ठीक है ना, आप अपने घर से स्कूल आए तो बोलते हैं ना हम इतने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतने मीटर ट्रेवल किया, इतने किलोमीटर ट्रेवल किया. सबको पता है आपको डिस्टेंस क्या होता है. सो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड. डिस्टेंस क्या है मेरा, जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है. ठीक है ना, जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, मतलब आप अपने घर से स्कूल आए. ठीक है ना, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, उसका जो
जितना एक्चुअल पाथ होगा आपके घर से स्कूल का, जितना रास्ता होगा उसको हम कैसे मेजर करेंगे कि इतना डिस्टेंस है. सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं यहां पर, पर्सन भी हो सकता है, बाइसिकल भी, स्कूटर भी, कुछ भी, ठीक है. जितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना उसने टोटल पाथ ट्रेवल किया उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है ना. एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस. अब जो डिस्टेंस होता है बेटा, हर चीज मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट होती है ना. हम कहते हैं इतने मीटर चला तो उतनी यूनिट है, पांच मीटर चला तो मीटर क्या है, यूनिट है. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है जो एसआई यूनिट, वो डिस्टेंस की क्या है, मीटर, ठीक है ना. एसआई यूनिट डिस्टेंस की क्या है, मीटर. और हम इसको किस में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में. बड़ी यूनिट क्या है, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना. तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल है, ठीक. सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैंने ए से बी जाने का डिस्टेंस, ये मेरा ए से बी जाने का डिस्टेंस है 100 मीटर. तो डिस्टेंस मैं बोलूंगा इसका डिस्टेंस कितना है, कितना है ए से बी का रास्ता, 100 मीटर. मीटर क्या है, मीटर जो है इसकी एसआई यूनिट है. इस मीटर को एम से डिनोट करते हैं, ठीक है. तो ये मेरा हो गया इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये जो रास्ता है वो क्या हो गया, डिस्टेंस. जैसे मैं ये बात करूंगा, कोई ये एक पॉइंट है, यहां से यहां गया, मैं यहां से यहां गया, ए से बी पॉइंट पे, बी से सी पॉइंट पे, ये है 20 मीटर, ये है 30 मीटर. तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस के एक्चुअल पाथ ट्रेवल, कितना रास्ता कवर किया मैंने, यहां से यहां गया 20 मीटर, बी से सी गया 30 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, 50 मीटर, ठीक है. तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया. सबको समझ आ गया डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट. तो मोशन, रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट और डिस्टेंस. मैं इसको रब करता हूं, इसके आगे और डेफिनेशंस पढ़ते हैं हम डिस्टेंस के आगे. नेक्स्ट जो हमें डेफिनेशन पढ़नी है, दैट इज अ न्यू वर्ड, एक नया वर्ड है आपके लिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस तो मैंने बोला एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है. डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, छोटे से छोटा पाथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से. इनिशियल पॉइंट मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और फाइनल पॉइंट जो एंड पॉइंट होगा, ठीक है ना. स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं. इनिशियल और फाइनल पॉइंट में जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है. आइए अब एक डायग्राम से समझाता हूँ, यही डिस्टेंस वाला डायग्राम, ठीक. सपोज मेरे पास एक ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है. मैंने बोला था ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, यही बोला था 20 मीटर. तो इसका डिस्टेंस कितना आया था, 50 मीटर आया था. डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है इनिशियल पॉइंट. फाइनल पॉइंट क्या है, यहां यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर आगे खत्म हुआ. इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ऐसे डायरेक्ट यहां से यहां भी तो जा सकता है ना वो, ये है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट. ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना. इसको आप निकाल भी सकते हो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ा हुआ है. ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, ठीक है ना. ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल और फाइनल पॉइंट में. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका. एक और बात एग्जाम्पल से पहले, डिस्टेंस भी बेटा हम मीटर में ही मेजर करते हैं. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो भी मीटर में ही मेजर करते हैं, ठीक है. जो ये आंसर आएगा मीटर में ही आएगा. डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस ही है, पर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक, इनिशियल और फाइनल पॉइंट में. अब एक एग्जाम्पल समझिए, एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट, यहाँ सी पॉइंट, यहाँ डी पॉइंट. मैंने बोला ये यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है. ये ए से पहले बी पे गया, ये 2 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये
1 मीटर है, ठीक है। तो हमने बोला कि ए से डी पे टोटल डिस्टेंस बताओ। ए पहले यहां, ए जो है वो पहले बी पे गया, फिर सी पे, फिर डी पे, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बताओ। टोटल डिस्टेंस ऐड कर देंगे हम, टोटल पाथ कितना हो गया 2 + 5 + 1, तो कितना हो गया 8 मीटर हो गया, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट बताओ इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिफरेंस। इनिशियल पॉइंट इसका ये था, यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पर आके खत्म हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, सेम हुआ, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट भी तो यही हुआ 2 + 5 + 1 8 मीटर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। कब, जब वो ए से डी में गया, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में गया जब वो ए से डी में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है, सेम है, ठीक। अब मैं बोलूं कि वो ए से बी पे गया, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से वापस सी पे आया, ऐसे जाके और यहां तक वापस आया, ठीक है। अब बताओ मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सोचो। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो जितना उसने टोटल पास ट्रेवल किया वो बता देते हैं। तो यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया, तो कितना हुआ 2 + 5 + 1, यहां से फिर वापिस यहां आया तो 1 मीटर और चला सी से आने में, प्लस 1, तो कितना हो गया 9 मीटर हो गया, हो गया ना 9 मीटर, 8 मीटर था ये पूरा और एक यहां वापिस आया 9 मीटर, ठीक है ना, सी पे वापिस आया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट में, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, ए इनिशियल पॉइंट है, और फाइनल क्या है, सी, तो ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है 2 मीटर और 5 मीटर, 2 और 5 मीटर, तो इस केस में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हुआ, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहां जाके वो वापिस आया, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, ये डिस्टेंस है इतना गया, इतना जाके इतना आया, तो डिस्टेंस में ये दोनों ऐड हो गया, ए से डी और यहां वापिस सी। पर डिस्प्लेसमेंट में क्या है, यहां गया और यहां, मतलब जो उससे उल्टी डायरेक्शन में आ रहा था उतनी चीज क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, ये इतनी चीज सब्ट्रैक्ट होगी और हमारे पास डिस्टेंस कहां से आया, ए से सी तक। दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तो है, वैसे भी निकाल सकते हो, एक और तरीका बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम दो क्वांटिटीज, जितने भी क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उससे पहले एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। सपोज ये सर्कल है, यहां से इस पॉइंट से हम स्टार्ट हुए और यहां है, इसका रेडियस आर है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा बताओ, इस सर्कल का कितना डिस्टेंस होगा, इस सर्कल का डिस्टेंस होगा, इसका सर्कमफेरेंस ये यहां से पूरा, तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, इतना होता है जितना इसका ये सर्कमफेरेंस है, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ ये पूरा चला यहां। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो आप बोलोगे सर आपने बताया जहां से स्टार्ट हुआ जिस पॉइंट पे खत्म हुआ उसके बीच में डिस्टेंस देखना है, तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पर खत्म हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है मेरा जीरो, डिस्प्लेसमेंट है जीरो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस तो पाथ है ना, एक्चुअल पाथ है, कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर मैं ए से डी पे जाके वापिस ए पे आऊं तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + 5 + 1, फिर 1 + 5 + 2, 16 हो जाएगा डिस्टेंस ए से डी पे, डी से पे 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, ए से स्टार्ट हुआ ए पे आगे खत्म हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना आया जीरो। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो, ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब बेटा जितनी भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं जो आपको पढ़नी है 9th क्लास में, ठीक है, जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। कौन से दो पार्ट होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज और ये है यहां वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम वो क्वांटिटीज होते हैं जिसमें हम सिर्फ उसकी वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। क्वांटिटी विच ओनली
ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, जैसे मैंने बोला 2 किलो सेब ले आया, 2 किलो सेब है, ठीक है, 2 kg एप्पल, तो सिर्फ 2 kg वैल्यू है उसकी, 5 मीटर डिस्टेंस चला, 5 मीटर डिस्टेंस चला, ठीक है, सिर्फ वैल्यू है। तो जिसकी वैल्यू हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब उसके वैल्यू की बात करते हैं, वो क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। और व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम मैग्नीट्यूड की बात भी करते हैं और डायरेक्शन की बात भी करते हैं, ठीक है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मतलब मैं बोल रहा हूं जो मास है मेरे पास, मास, मास कैसी क्वांटिटी है, मास तो 2 kg है, मैं ऐसा तो नहीं बोलता 2 kg नॉर्थ में है मास, नहीं ना, मास एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस मैंने बोला 5 मीटर डिस्टेंस चला, 5 मीटर डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी 5 मीटर। अच्छा मैं ये बोलूं, अगर 5 मीटर डिस्टेंस है टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर मैं डिस्टेंस की बात भी करूं और डायरेक्शन भी बताऊं कि आप 5 मीटर डिस्टेंस चले नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना, 2 मीटर डिस्टेंस चले साउथ की तरफ, मैं अगर डायरेक्शन की बात भी बताऊं कि एक पर्टिकुलर, सपोज आपकी क्लासरूम में आप, मैं आपके बोर्ड से लेके क्लासरूम के एंड तक गया, तो मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ ना, इतने मीटर चला, तो जब मैं वैल्यू की, 5 मीटर तो वैल्यू होगी, ये यहाँ पर भी डिस्टेंस में सपोज 5 मीटर वैल्यू थी, जब मैं वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की बात करूं, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की बात करूं, तो क्वांटिटी कैसे होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है, अभी जो हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर कर रही है, मैं यहां से यहां गया था उस न्यूमेरिकल में, ए से डी तक, और वापिस सी से आया था, तो ये डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज होगी ना, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आया, इतना ही पोर्शन आया था मेरे पास, ठीक है, डिस्टेंस में तो ऐसा नहीं है, डिस्टेंस तो ऐड हो गया था, तो डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस पता चल गया आपको, जिसकी सिर्फ हम वैल्यू की बात करते हैं वो स्केलर क्वांटिटी है, जहां वैल्यू और डायरेक्शन भी आ जाती है वो वेक्टर क्वांटिटी है। आगे मैं और क्वांटिटीज बताऊंगा, मैं उसमें लिखूंगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, समझ आ गया स्केलर वेक्टर। अब आपको एक और डिफरेंस, और जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बताओ। अब डिफरेंस जब बताते हैं तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन बता देते हैं, ठीक है ना, डेफिनेशन क्या है, तो डिस्टेंस क्या है, इसमें जनरली आपसे 2 या 3 डिफरेंस पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है। तो डिस्टेंस क्या है, हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट का पढ़ा, क्या पढ़ा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में, वो डिस्प्लेसमेंट है। अब एक और चीज क्या पढ़ ली, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब हम यहाँ डायरेक्शन को भी देखते हैं, ठीक है। और थर्ड जो है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपने कभी सुना है -5 मीटर डिस्टेंस, नहीं सुना होगा, डिस्टेंस को माइनस में कैसे ले सकते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है। हाँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है ना। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो मैंने बताया, यहां से यहां गया या वापिस आया, तो इतना रह गया ये पॉजिटिव। अगर ए से डी पे जाता, ये ए से डी पे जाता यहाँ, ठीक है, और यहाँ वापस आके यहाँ आ जाता, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया डिस्प्लेसमेंट में,
इस डायरेक्शन में आ गया, पहले इसमें था, तो कुछ यहाँ क्या होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये क्या है, सर्कल में इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो इस केस में क्या होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। बेसिकली नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, एक जो बात मैं आपको बताऊंगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। नेगेटिव इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, ऐसे भी लिख सकते हो। जब डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम बोलेंगे, हम डायरेक्शन ही बता देंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या बताएंगे, सपोज इधर ये 1 मीटर रह गया तो हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर, सपोज ये साउथ है, टुवर्ड्स साउथ, या इधर हुआ तो जितना भी मीटर हुआ टुवर्ड्स नॉर्थ। तो जो चीज याद रखनी है वो क्या है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव कैन बी जीरो, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप लिख सकते हो इसमें इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो और नेगेटिव। नेगेटिव मैंने बताया, जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो हम लिख बस वो इसलिए बोलते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ठीक। अब हम इसके आगे जो पढ़ते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ मोशन। हमने दो तरह के मोशन की बात करनी है, ठीक है। इसमें दो तरह के हमने मोशन पढ़ने हैं। कौन से दो तरह के मोशन पढ़ने हैं, एक तो हमने पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन और एक पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमने क्वांटिटी पढ़ ली, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अब हमने मोशन के बारे में पढ़ना है। सो फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या रहता, सपोज ये देखो, ये मैं टाइम ले रहा हूं और यहां डिस्टेंस ले रहा हूं, ठीक है। मैंने वॉच में टाइम देखा, मैंने देखा कि पहले 5 मिनट्स में ये यहाँ पर 1 किलोमीटर ट्रैवल किया किसी ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। अगले 5 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर किया, ठीक है ना। तो पहले 1 किलोमीटर था, अब कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, ठीक। और यहाँ 1 ही लिख लो सपोज डिस्टेंस। नेक्स्ट 5 मिनट में फिर 1 किलोमीटर किया, तो क्या है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना। पहले 5 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, अगले 5 मिनट में फिर 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 5 मिनट में फिर 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। सो व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। बहुत सिंपल सी बात है, जब हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले 5 मिनट में 1 किलोमीटर किया, अगले 5 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर किया, अगले 5 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर किया, तो जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मैं बोलूँ आप घर से स्कूल आए 10 मिनट लगे, ठीक है ना, आप फिर स्कूल से घर गए 10 मिनट लगे, फिर घर से स्कूल आए 10 मिनट लगे, तो आपने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया इक्वल टाइम में, तो इसका मतलब क्या है, मैं बोलूंगा आपका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन है। सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, तो समझ गए होंगे आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, सपोज यही टाइम है और ये डिस्टेंस है, मैं पहले 5 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, अगले 5 मिनट में 2 किलोमीटर कर लिया, अगले 5 मिनट में और तेज चला मैंने 3 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, ठीक है ना। तो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है ना, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है। सो व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन सॉरी व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। जब पहले 5 मिनट में हमने 1 किलोमीटर किया, अगले 5 मिनट में और तेज चले 2 किलोमीटर किया, फिर 3 किलोमीटर, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिस्टेंस सेम नहीं है। तो ऐसा अगर कंडीशन आएगी तो हम क्या बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो कैसे चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, ठीक। तो
आज का लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अब हम आगे की क्वांटिटीज की बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे लिख के बताओ, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। थैंक यू।